नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन पूरे देश भर में? मैं इतिहास को खंगालने नहीं आया हूं, पुरानी बातें डिस्कस करने नहीं आया हूं। आगे का जो राजनीतिक सिनेरियो बन रहा है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया हूं। पूरे भारत, पूरे मानचित्र को आप देख लें, भारत के संसद को देख लें, चारों तरफ नजर घुमाएं, रामविलास पासवान जी रहे नहीं, और कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। वह नेता प्रतिपक्ष भी हैं भारत के सदन में। तो जाहिर सी बात है, एक मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश में, और इसमें कई लोग शामिल हैं। कई लोग लेफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं कि दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन। कल को सदन में अगर एससी एसटी का पक्ष रखा जाएगा तो किसके द्वारा रखा जाएगा? रामविलास पासवान जी एक बड़े चेहरा थे, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट में साथ होते थे, चाहे वो पाला बदलकर कभी एनडीए कभी यूपीए, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। और पिछले दशक से लेकर अभी तक जो नजर आ रहा है, 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। यह और बात है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बसपा का ग्राफ ऊपर उठा, वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन आज मूल प्रश्न है कि देश में दो नेता सामने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और बहन मायावती जी। कहने का तात्पर्य यह है, आप अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया से हमें बता सकते हैं, इस देश को बता सकते हैं। जो लोग YouTube चैनल पर होते हैं, Facebook पर होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया से किस देश का जो नेता है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की आवाज को रखने के लिए, उसके हक हिस्सेदारी संवैधानिक अधिकार रखने के लिए, वह बहन मायावती जी होंगी या मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने एक साथ कई तुरुप के इक्के चल दिए। उधर राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा पे भेज दिया, इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिया, जो कि एससी एसटी से आते हैं। अगर आपके ऊपर समस्या आ जाए, ऐसे बहन मायावती जी के पास अभी चल रहा है मिशन मुसलमान, वो ब्राह्मण समाज के लिए भी आगे आई थी, सवर्ण जहां पर कहते हैं ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का मामला था, वहां भी बहन मायावती जी ने समर्थन दिया था। राष्ट्रहित में जो कोई बात होती है, जो राष्ट्र को चाहिए, वहां बहन मायावती जी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे केंद्र सरकार को समर्थन देती आई हैं। अगर दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बने, तो वहां भी बहन मायावती जी समर्थन करती हैं। यह तो बहन मायावती जी का पक्ष है। बहन मायावती जी माननीय काशीराम के बनाए हुए फॉर्मूले पे, जो उन्होंने बहुजन समाज बनाया था, जो उन्होंने सोचा था, बहन मायावती जी चल रही हैं। अब समाज के मुट्ठी भर लोगों का एक तकलीफ होता है कि बहन जी सड़क पर उतरो, बहन जी बाहर नहीं आती हैं, बहन जी केवल ट्वीट करती हैं। लेकिन आज हम आपको धर्म संकट में डाल रहे हैं कि आज से पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी बार आपके बीच आए, कितनी बार आपके सामने सड़क पर आए, एससी एसटी के लिए कौन कौन से मुद्दे रखे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में हमें बता सकते हैं। हम नहीं जानते हैं, आप हमें बता दीजिए। बहन मायावती जी ने कितना काम किया एससी एसटी के लिए, वह कितनी बड़ी अंबेडकरवादी हैं, लोगों के बीच में कितना जाती हैं, हमें नहीं पता। हम आज आपसे जानने आए हैं, बीजेपी अगर किसी दलित चेहरे को, आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति पद के लिए नामित करती है, नॉमिनेट करती है, आप बहुत खुश होते हैं, आप चुनते हैं। अगर उसी में विपक्ष को
कोई ऐसी एसटी चेहरा दे देता है तो आप उनका काम देखते हैं। ये लोकतंत्र है, आप आजाद हैं। और साजिश तो बड़ी बड़ी रची जाती है, कभी कभी धर्म परिवर्तन के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, ताकि आप कई हिस्सों में बट जाएं। आज आपके सामने यही मूल प्रश्न है। हमने केवल दो नाम लिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे और बहन मायावती जी। जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश के हर हिस्से में ये पार्टी है, उनके कैडर है, उनके कार्यकर्ता है, कांग्रेस भी पूरे देश में है और बहुजन समाज पार्टी भी पूरे देश में है। इसलिए दो नाम लिया है, दो वरिष्ठ नेता है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे 1 बार 2019 में चुनाव हारे थे और वो हमेशा चुनाव जीतते रहे। कर्नाटक से आते हैं, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश से आती हैं। अब आपको तय करना है इस लोकतंत्र में एससी एसटी की मुख्य आवाज, सदन का मुख्य आवाज बहन मायावती जी बनेंगी या मल्लिकार्जुन खड़गे। देश की राजनीति में कई बार ऐसे समय आ जाते हैं, कोई एक चेहरा नया निकल कर आता है, लोग उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन लोग उनकी उपलब्धियों को भी देखते हैं। क्या वो बढ़ चढ़ कर एससी एसटी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए खड़े हो पाएंगे? अब रही बात ये नेताओं में, ओबीसी में भी बड़े बड़े नेता हैं, अन्य जो है जातियों में भी बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट, जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त कास्ट है, जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास के लिए जो है व्यवस्था की थी कि मुख्य धारा में आए, जो कि आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। सरकारी योजनाएं बनती है, फाइलों में गुम हो जाती है। और यह बात कांग्रेस को भी पता होगा और बहुजन समाज पार्टी को भी पता होगा, उनके नेताओं को भी पता होगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस का शासन भी है और हर जगह चाहे विधायक पाला बदल लें, बसपा का भी विधायक बनता है। अब जैसे बिहार में एक विधायक बना, जमा खान, पाला बदल लिया। राजस्थान में 6 विधायक बना और कांग्रेस में घुस गया, पाला बदल लिया। मध्य प्रदेश में भी विधायक हुआ था बसपा का, वह भी पाला बदल लिया। कहने का तात्पर्य यह है, बसपा 0/0 कहीं नहीं होता और कांग्रेस भी हर जगह है। अच्छे और बुरे दिन तो सारी पार्टियों के आते हैं, लेकिन अभी जो साजिश रची गई है, जो तैयारियां हो रही है पूरे देश भर में, तैयारियां हो रही है कि शेड्यूल कास्ट देश का बहुजन समाज जो है किसको पसंद करेगा, अपना नेता किसको मानेगा। बहुजन समाज की जब हम बात करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सब आते हैं और माइनॉरिटीज का एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाता है। और बसपा ने फिलहाल जो मिशन मुसलमान शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वहां से कटकर बसपा के साथ आएंगे। हमें राजनीति में कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं और ना यह कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह भी नहीं कह रहा हूं। मुझे यह भी नहीं कहना है किसकी सरकार बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस देश का डिप्रेस क्लास, एससी एसटी वर्ग अपना नेता किसको मानेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या बहन मायावती जी को, जो सदन में जोर शोर से आवाज उठा पाए। आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं, राज्यसभा सदस्य हुआ करती थी बहन मायावती जी, किसी प्रश्न, किसी सवाल पर नोकझोंक हुआ और उन्होंने इस्तीफा देकर बाहर निकल गई थी कि जिस सदन में हमारी बात ही न सुनी जाए, उस सदन का हम सदस्य क्यों रहे। ये आपको इसलिए याद दिला दिया क्योंकि वो एससी एसटी का पक्ष रख रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े दमखम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आगे आए हैं, देश भ्रमण करेंगे और उनके सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि भाजपा को कैसे पराजित किया जाए। भाजपा और कांग्रेस की कुश्ती में कई दल पिस जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएगा, एक यूपीए, एक एनडीए। एससी एसटी वर्ग
दोनों तरफ निगाहें घुमाता रहेगा और बीजेपी भी कोई न कोई दलित चेहरा सामने करेगी, सपा भी करेगी, बाकी दल भी करेंगे, लेकिन मुख्य प्रश्न उभर कर आया है कि देश की और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और तैयारी यही होगी कि देश का जो दलित है वो हमारे तरफ आ जाए। मैंने हमेशा यह आवाज लगाई है देश का डिप्रेस क्लास, शोषित वंचित अछूता वर्ग जो अधिकार नहीं छुपाया, जिसको अधिकार नहीं मिला। हम जाति पाति नहीं करते, हमें जातियों में नहीं बांटता, इससे समाज और देश दोनों डाउनफॉल होता है, नीचे गिरता है। हम जाति पाति करके देश का विकास नहीं कर सकते। हमने तो बस वह प्रश्न रखा कि दो नेताओं की होर लगी है, आप किसके साथ? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो सभी का पक्ष रख देते हैं, सबकी उपलब्धि रख देते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बताएं कि आपका नेता कौन है, और इस वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए कि जो लोग नहीं देख पाते हैं वह भी देख लें कि दो नेताओं में होर लगी हुई है। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।